इंडोनेशिया के खूबसूरत शहर बाली में 15 नवंबर से G20 शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। हमेशा इस तरह के बड़े सम्मेलन शुरू होने से पहले सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की ग्रुप फोटो होती है, लेकिन बाली में हो रहे G20 सम्मेलन में ऐसा संभव नहीं हो सकेगा और इसका कारण है रूस। लंदन से बाली रवाना होने से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा, इस G20 सम्मेलन में पुतिन के शासन की पोल खोलेंगे। पुतिन के युद्ध ने दुनिया भर में तबाही मचाई है, जिंदगियां नष्ट कर दी हैं और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को उथल पुथल कर दिया है। केवल सुनक ही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस को लेकर दुनिया के कई देशों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। ये नाराजगी इतनी है कि दुनिया के कई कद्दावर नेता अपने साथ फोटो फ्रेम में रूस के नेताओं को देखना नहीं चाहते। इसी वजह से बाली में दुनिया के नेताओं का ग्रुप फोटो कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले ही इस सम्मेलन में जाने से मना कर दिया है और वे इस सम्मेलन को ऑनलाइन भी संबोधित नहीं करेंगे। रूस की ओर से इस सम्मेलन में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव शामिल हो रहे हैं। यही नहीं, जैसा कि हर बड़े सम्मेलन के बाद साझा बयान जारी कर सम्मेलन में लिए गए फैसलों की जानकारी दुनिया को दी जाती है, इस बार यूक्रेन युद्ध से दुनिया में पैदा हुए गहरे विभाजन के बाद बाली में संयुक्त बयान जारी होने पर भी संदेह है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक। त्योहार है चुनाव का, गहराई से सोचिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद के शोर से बचिएगा। करेंगे चुनाव के हर छोटे बड़े पहलू पर बात। देखिए दिन और रात क्या कहता है गुजरात, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। सोशल मीडिया पर लिखिए #क्या कहता है गुजरात और देखिए हमारे ये शो।